शानदार मार्केट डिमोलिश में बड़ा खुलासा, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने लगाए गंभीर आरोप। शानदार टेक्सटाइल मार्केट जो भिवंडी के नासिक रोड पर स्थित है, इसके डिमोलिशन का काम शुरू है। इसी बीच यहां काम कर रहे लेबर कॉन्ट्रैक्टर इम्तियाज अली के खिलाफ शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ है, जिसकी रिपोर्ट हम आपको कल दिखा चुके हैं। इस पूरे मामले में मनपा का ठेकेदार और प्रभाग अधिकारी के खिलाफ शानदार मार्केट में डिमोलिश की कार्रवाई करने वाले ठेकेदार सज्जाद बाबू शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा किया है और अपना पक्ष रखा है। वही इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारी से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। मार्केट डी टाइप बिल्डिंग 39/4, ये डेमोलिशन का वर्क जो पार्टी है शानदार बिल्डर्स की तरफ से रमेश चंद जैन, उन्होंने हमको दिया है। सेक इंटरप्राइज मेरी फर्म है, मेरे को डेमोलिश करने का, तो ये उनके हमारे एग्रीमेंट होने के बाद, हमारा पत्र होने के बाद, हमने ये तोड़ना चालू किया। तो उसके 10/3/2024 से हमने ये काम स्टार्ट किया, तो उसके बावजूद वहाँ पे कुछ 14 तारीख को यहाँ पे बिल्ड निरीक्षक हनुमान मात्रे और सहायक आयुक्त मकसूद शेख साहब यहाँ पे एंट्री किए। उन्होंने बोले कि भैया ये काम हमने हमारे ठेकेदार को दिया हुआ है, ऐसा है वैसा है, आप लोग ये काम रोक दो। तो मैंने कहा सर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जिनकी प्रॉपर्टी है उन्होंने जिसको राइट दिया उन्होंने हमको ये काम डेमोलिश करने के लिए दिया हुआ है और हम लोग प्रोसीजर के अनुसार काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला काम बंद कर दीजिए। तो हमने बोला सर ठीक है, आप हम काम बंद करेंगे, लेकिन आप हमको विथ राइटिंग में दीजिए कि कारण क्या है। आप कारण देंगे तो हम लोग वही कारण लेके सेठ के पास जाएंगे कि भाई ये चीज़ जो डेमोलिश करते हैं तो भाई कुछ लेन देन होती है मालिक के साथ में या कोई बातें होती है, वो चीज़ हमको सामने फेस करना पड़ेगी ना। मालिक बोलेगा मेरे को बिना पूछे बंद क्यों किए, तो हमने काम बंद नहीं किया। फिर उसके बावजूद उन्होंने कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह किए तो शांतिनगर पुलिस सीनियर साहब ने बोला कि ठीक है मैं मामले की जांच करूंगा, तब तक काम बंद कीजिए। तो हमने पूरा रमजान का महीना काम बंद किया कि पुलिस अधिकारी जो है अपनी जांच पड़ताल कर ले, भाई हम लोग सही है गलत है वो उनकी जांच पड़ताल कर ले। तो हमने पूरा रमजान बंद किया। फिर हमारे जो डॉक्यूमेंट उनके पास हमने दिए थे रमेश चंद जैन की तरफ से जो लगते हैं प्रोसीजर में कि यहाँ पे जो भी चीजें होगी उसकी जिम्मेदारी सत्य प्रतिज्ञा पत्र मतलब एफिडेविट करके दिया कि यहाँ की जो भी जीवित माल की हानि होगी उसका जिम्मेदार मैं हूँ, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं होगा। और मैंने ये फला फला आदमी को काम दिया, मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेरे को परमिशन दीजिए। और रूल और लॉज बताता है कि अगर कोई अर्जी आती है तो 7 डेज के अंदर हर अधिकारी ने डेस्क के ऊपर से उसको हटाना चाहिए। परमिशन अगर नकारी जाती है तो उसका भी रीजन देना चाहिए कि परमिशन क्यों नकारी गई। लेकिन अभी तक हमको ना कोई परमिशन दी गई है, ना हमारी परमिशन रिजेक्ट हुई है, क्या उसका कोई जवाब दिया गया है। और सामने बारिश होने की वजह से फिर सेठ ने जब लिखित में दिया हुआ है एफिडेविट पे तो उनको भी डर है कि कल को दुर्घटना कुछ घटती है तो मैं जिम्मेदार कहला जाऊंगा। तो उन्होंने बोला भाई आप काम चालू कर दीजिए, तो हमने पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ काम स्टार्ट कर दिया। तो बार बार यहाँ पे साइड पे हनुमान मात्रे मकसूद से विजिट करते गए और उनको हमने बार बार एक ही कहा सर हम काम बंद करेंगे, आप राइटिंग में दीजिए, आपके राइट्स हैं, आप अधिकारी हैं, आप राइटिंग में लगाइए, मैं एक मिनट की भी देरी नहीं लगाऊंगा, मैं तुरंत काम बंद कर दूंगा और मुझे राइटिंग में दीजिए ताकि मुझे भी मालूम पड़े ना कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो उस दरमियान क्या हुआ कि मकसूद शेख हनुमान मात्रे मेरे ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर इम्तियाज भाई इनको बोले साइड पे ऊपर लेके चल के हमको मुआयना कराओ। तो अभी इनको क्या मालूम साहब अधिकारी है बोल के लेके गए और इनको बिना बताए इनको खड़ा करके मकसूद शेख साहब ने इनके साथ फोटो खिंचवाया और उस फोटो के व्याप पे जाके इनके ऊपर केस फाइल किया कि भैया ये नोटिस वोटिस हमको कुछ दी नहीं गई है, खाली फोटो खिंचवा के फोटो के अगेंस्ट में कि इनको नोटिस दिया काम बंद करने, मुंह से बोला गया है ओरल, खाली मुंह से बोला गया, हमको अभी तक कोई नोटिस नहीं दी गई है। हमने बार बार मांगा कि विद राइटिंग दो, हमने जैसा राइटिंग में आपको सब पेपर दिया है आप हमको राइटिंग में दीजिए, हम तुरंत काम बंद करेंगे, एक मिनट की भी देरी नहीं लगाएंगे, लेकिन वो राइटिंग में कुछ दिए नहीं है। कितने लाख का था और किसको ठेका दिया गया था? भाई देखिए अभी महानगर पालिका से जो है कोई सारा ट्रेडर्स बोल के इंसान बोल के कोई है उनको ठेका दिया गया। ये 13,420 स्क्वायर फीट की जगह है। सबसे पहला तो मैं आपको यहाँ महानगर पालिका का आला अधिकारियों का भ्रष्टाचार, जो ठेकेदार को और वैल्यूएशन जो नियुक्त करते ना जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर नियुक्त करते हैं तो इनका भ्रष्टाचार बताता हूँ। जो भी XYZ कंपनी उन्होंने नियुक्त की वैल्यूएशन की तो इतनी बड़ी बिल्डिंग की उन्होंने वैल्यू लगाई है 3,84,000 रुपया ठेकेदार के मुकाबले में कि इसके अंदर इतना स्टील इतना रैबिट निकलेगा इतना मलबा निकलेगा कि सिर्फ 3,84,000 रुपया महानगर पालिका को दे सकता है। तो अभी आगरे के अंधे वाला तो हिसाब होगा नहीं भाई कि इतने बड़े स्ट्रक्चर का। फर्स्ट पार्ट ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये महानगर पालिका की अधीन नहीं है, ये बिना वापर है, जब से बनी है 45 साल से ना वापर की गई है ना कुछ की गई है, इसको कोई घर नंबर नहीं है, इसका असेसमेंट नहीं है, इसके पास कोई सुविधा नहीं ली जाती है, ना नल कनेक्शन लिया जा रहा है ना कुछ लिया जा रहा है।
तो इसमें महानगर पालिका कहीं पे रोल आता ही नहीं। महानगर पालिका ने किस आधार पे इसको धोखा दिया? भाई देखिए, महानगर पालिका के अंदर स्ट्रक्चर जो कुछ दिखता है, अगर स्ट्रक्चर की हालात देख के उन्होंने ये किया तो महानगर पालिका ने नहीं किया है। सॉरी, इस पे हमारा स्ट्रक्चर ऑडिटर इंजीनियर हमने खड़ा किया था, वेग सर्वैया बोल के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सबमिट किया कि भैया ये स्ट्रक्चर रिपेयर करने के लायक नहीं। क्योंकि जब नोटिस आई थी 21 में, तब हमने हमारा ऑडिट रिपोर्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर खड़ा किया था, उन्होंने सब बिल्डिंग का ये करके उन बिल्डिंगों को रिपेयर के परमिशन दिए थे और इसको C1 कैटेगरी घोषित किए थे। तो उस वक्त दिलीप खाने साहब थे सहायक आयुक्त, तब से हम लोग उनसे परमिशन मांग रहे हैं। तो उस वक्त जो हमारे बिल्डर साहब हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो उनको कागज पत्र मालूम नहीं, अधिकारी में भरोसा करके वो उनसे ट्रस्ट करते जा रहे थे और जो लेटर बोले वो देते जा रहे थे। तो महानगर पालिका ने टाला टाल करते करते ये सिर्फ हमको टालते गए हर साल में, ना परमिशन दिए ना उसका कोई रीजन दिए। और उसमें 2 साल इनके पास कोई ठेकेदार था नहीं डेमोलिशन करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट लैप्स हो चुका था। तो महानगर पालिका ने लैप्स होने के बीच में मतलब परमिशन देंगे तो ये लोग तोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है जिसमें सबके हाथ मैले हो रहे हैं, जिसमें ऊपर आला अधिकारी के बिना नीचे के अधिकारी का तो इतनी हिम्मत होती नहीं है। तो कल हुए मामले दर्ज को लेके, इम्तियाज के ऊपर जो मामला दर्ज है उसके लेके आपकी क्या मांग है? भाई मामला दर्ज हो गया, हमारी ये मांग है कि जो मामला दर्ज हुआ है वो भी देखो कोरोना काल में 188 का मामला था, उसका वर्णन क्या किया जाता है कि कोई लोक सेवक जिसने आदेश निकाला हो, आदेश इसका अगर आप निकालते हो कि ये स्ट्रक्चर मेरा है या आपने इसको काबिज ले लिया है, तो इसके ऊपर आपका 188 का भी कायदा बनता है। उसकी भी मैं आपको कॉपी दे दूंगा कि IPC की 188 की कलम क्या है, कि लॉकडाउन में जो लोग सुनते नहीं थे तो लोगों को डराने के लिए मतलब उनको दंडित करने के लिए शासन ने उसको कर लिया था, तो उस अधिकार का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। और पहली बात कि अभी शासन प्रशासक आयुक्त साहब हैं, बरोबर है, तो उन्होंने वहां देना चाहिए। मखसूस शेख साहब के राइट्स कितने हैं, हमने बार बार मांगनी की है, हमने माइती अधिकार के जरिए, RG के जरिए, हर जगह से उनसे माइती मांगा है कि भैया आप बताइए कि क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या कोई ठहराव पास हुआ है, उसका कोई निर्णय कि नहीं आप प्राइवेट प्रॉपर्टी आपके ठेकेदार के माध्यम से तोड़ोगे। वो जब भी यहाँ आए उनका यही बोलना है कि मेरा ठेकेदार तोड़ेगा, मतलब ये भ्रष्टाचार है ना। ये स्ट्रक्चर को आप अति धोखादायक में हमने डिक्लेयर करवाया, हमारे इंजीनियर से आपने नोटिस लगाई कि भाई स्ट्रक्चर देखने में लग रहा है, तो उसका एक रूल बना है कि हम लोग को फिर एक टाइम दिया जाता है कि हम लोग जो इन्होंने नेमणूक किया है इंजीनियर स्ट्रक्चर ऑडिटर, उसमें से किसी को सेलेक्ट करके उसकी रिपोर्ट हम लोग सबमिट करें कि वो क्या बोलता है। तो वो जिम्मेदारी लेता है ना भाई बाद में स्ट्रक्चर की, ये रहने लायक है नहीं है, यहाँ रह सकते नहीं रहते। तो हमारे खुद के स्ट्रक्चर ऑडिटर विवेक सरवैया बोल के जो है पैनल में, उन्होंने हमारे उन सब बिल्डिंगों को दिया परमिशन रिपेयरिंग वगैरह का और इनको स्ट्रक्चर ऑडिट में C1 में डाल दिया। महानगर पालिका ने नहीं डाला अति धोखादायक में, सबसे पहले टाइटल क्लियर कर लीजिए कि तो महानगर पालिका के पास इतने पढ़े लिखे और इतने हायर इक्विपमेंट तो है ही नहीं और इंजीनियर भी नहीं है, ये समझा सके कि ये चीज क्या है। इस भ्रष्टाचार में सीधे सीधे दिख रहा है भैया, जो मेन है वही शामिल है। मेरा सीधा सीधा इल्जाम है कि इस भ्रष्टाचार की पूरी गंगा जो है माननीय आयुक्त साहब की तरफ से बहती है। जब से वो इस भय भिवंडी शहर में आए 2000 से, जब ये महानगर पालिका बनी है, तब से अगर इस महानगर पालिका को सबसे भ्रष्ट अधिकारी कोई मिले होंगे तो मैं ये कमीशन मिले, जिनके रहते हुए भ्रष्टाचार की सिर्फ गंगा बह रही है। ऐसे GR है कि भैया महानगर पालिका अधिनियम के हिसाब से आयुक्त साहब अगर किसी को पदभार भी देते हैं तो 6 महीने से ऊपर दे नहीं सकते, और वो भी स्वच्छ प्रतिमा के कर्मचारियों को, सेवा ज्येष्ठता के हिसाब से। लेकिन आप सबके सामने, आपको क्या लगता है कि आपके साथ जबरदस्ती भी किया जा सकता है भाई? हमारे साथ लेकर और सामने वाली पार्टी तोड़ भी सकती है, ऐसा आपको लगता है? भाई सामने वाली पार्टी तोड़ सकती नहीं, रोड़ सकती, अभी वो अधिकार में उन्होंने क्या लेके आते, जबरदस्ती हमारे पर दबाव डाला ही जा रहा है, हमसे साइड में जाके पैसों की मांग भी की जा रही है बार बार, वो हमको इतना दे रहा है तू इतना दे भाई। लेकिन हम बोले हम क्यों दे, हम जो गाइडेंस है हमने आपको डॉक्यूमेंट दे दिए, उसके एवज में अगर कोई शासन निर्णय है, कोई एविडेंस है कि भाई कुछ भरना है तो भरने हम तैयार है ना, वो भरने के लिए हम तैयार है। आप अगर आदेश दोगे कि ठीक है भाई कि ये चीजें अगर तोड़नी है तो इसको इतना इतना फीस आपको भरना पड़ेगा, तो हम लोग भरेंगे, लेकिन वो देंगे तब ना। महानगर पालिका ने इसका वैल्यूएशन 3 लाख रुपए लगाया। हाँ भाई, जैसा आपने बताया, हाँ उसके हिसाब से इसका वैल्यूएशन भाई देखिए, जब ये बिल्डिंग बनी थी ना तभी भी कम से कम 1.5 करोड़ लगा के बनाई गई थी, आज से 45 साल पहले 1.5 शेयर लगा के बनी है, तो उसकी स्टील की वैल्यू, उसकी रैबिट की वैल्यू आज के हिसाब से आप खुद अंकित कर सकते हैं कि क्या होनी चाहिए, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना। आप बताइए कितनी हो? आप बताइए काम कर रहे हैं भाई? हम काम कर रहे हैं, हमारे हिसाब से 50-60 लाख की वैल्यू है इसकी। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार है, मनपा तिजोरी में भी ये लोग सीधा सीधा भ्रष्टाचार कर रहे हैं,
जिस वजह से मतलब वैल्यूएशन भ्रष्टाचारी है, जो वैल्यूएशन रिपोर्ट दिया है ठेकेदार भ्रष्टाचारी है। अभी आगे आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी भाई? हमारी कानूनी प्रक्रिया शुरू है, हम कोर्ट के जरिए से इनको जवाब देंगे। ये पुलिस तंत्र पे भी दबाव ला रहे हैं, पुलिस भी बार बार बोल रही है कि किस कलम के अंदर हम गुनाह दाखिल करें, अब बार बार हमारे पास आ रहे हो। आखिर में फिर इन्होंने लॉकडाउन का जो कलम था 180 उसके जरिए से एक केस हमारे में फाइल किया है, वो केस भी निराधार है। अगर इनके राइट्स में था, इनके अधिकार में था, तो इन्होंने लेके क्यों नहीं दिया? सबसे पहला सवाल, माननीय आयुक्त साहब प्रशासक हैं तो उनके राइट्स में है, उनको बार बार हमने एक ही मांगी। आज भी अगर वो राइटिंग में हमको कुछ देते हैं कि भैया ये नियम है या अधिनियम है, तो मैं उसी वक्त से काम बंद करूंगा, जो चीज़ जैसी है उसका पंचनामा ले लूंगा, फिर मैं कोर्ट के जरिए से जो उनको जवाब देना वो दूंगा, और जैसी चीज मेरी जांच छोड़ी जाएगी उसकी जिम्मेदारी माननीय महानगर पालिका रहेगी, और मैं उनसे वो भरपाई भी लूंगा अगर वहां से कोई चीज जाती है, कुछ नुकसान होता है मेरा। क्योंकि इस चीज को भाई देखिए, मैंने क्या बोला, हमने काम चालू किया 10 तारीख को, हमको जब मालिक से ऑर्डर मिला, जिनकी जमीन है जिनका विमला है, तो हमने काम चालू किया। मनपा ने ऑर्डर, हमने 10 को चालू किया, मनपा ने ठेकेदार को ऑर्डर कब दिया? 14/3 को, मतलब हमारे काम चालू करने के 3 दिन बाद। और पहली बात, सबसे बड़ी बात भाई है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मनपा ने ठेका दिया है अति धोखा दायक, जो अगर नहीं कोई तोड़ता है, सो खर्चे से हर किसी की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो तोड़ देवे, तो वो चीजें वो तोड़ेगा, या सरकारी जो वस्तु है जैसे IGM के सामने तोड़ा गया, जैसा महानगर पालिका कर्मचारियों की इमारत, उसके ऊपर ठेकेदार का राइट बनता है, उस पर अगर हम लोग कुछ कार्रवाई करते तो हम लोग गलत होते हैं। हम अपनी मालकियाना जमीन तोड़ रहे हैं। अभी इसका एग्जांपल ऐसा है कि ये स्ट्रक्चर अगर मुझे बनाना है तो मैं परमिशन लेने कहाँ जाऊंगा भाई? महानगर पालिका ना, तो महानगर पालिका परमिशन के एवज में कमीशन बोलेगा नहीं मेरा आदमी बांधेगा, मेरा ठेकेदार बांधेगा, तो मैं बिल्डिंग बांधने उसको दूंगा? आप खुद सोचिए ना, कॉमन सेंस की बात है ना भाई, कि मैं परमिशन मांग रहा हूं तोड़ने की, तो उसके लिए उसका ठेकेदार नियुक्त करने का, तो कल को जो बिल्डिंग बना रहे पूरे शहर में लीगल, इसीलिए हमारे शहर में लीगल काम नहीं होता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी अपना कुछ ना कुछ अड़ंगला डालता है। आज हमारा शहर पिछला ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, तो ये वही बात होगा कि अगर हम लीगल परमिशन मांगने जाएंगे तो कमिश्नर साहब बोलेंगे कि मेरा ठेकेदारी बिल्डिंग बांधने का, तुम लोग खाली देखते रहो, वो आड़ा बांधे कि टेढ़ा बांधे, वो राइट्स में कॉलम बांधे कि नहीं बांधे। तो आपका डेमोलिश का काम जारी रहेगा भाई? हमारा डेमोलिश का काम जारी रहेगा, हमको राइटिंग में जिस दिन मिलेगा तो वही चीज हम कोर्ट में ले जाके कोर्ट से सवाल करेंगे कि साहब हम गलत है तो हमको दंडित करो, अगर वो गलत है तो उनको दंडित करो। इस भ्रष्टाचार में कौन कौन लिप्त है आपके हिसाब से? भाई इस भ्रष्टाचार में मेरा पहला सूत्रधार है माननीय आयुक्त साहब, फिर उनके आदेश अनुसार जो काम कर रहे हैं मकसूब से सहायक आयुक्त, फिर बीट निरीक्षक, फिर जितने कर्मचारी, और वो ठेकेदार, फिर वो वैल्यूवेयर जिनको अपॉइंट किया गया है, और फिर यहाँ कुछ लोग हैं जिनका रहता है भाई आसपास में, अपने यहाँ तो बीड़ी कांटी बहुत रहते हैं भिवंडी में, तो थोड़ी वो चलती रहती है। आपने अभी कहा कि आपको साइड में लेके पैसे की मांग की गई, किसने साइड में लिया और किसने पैसे की मांग की? भाई मेरे को जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ आए उन्होंने बोला है साहब का पैसा पहुंचाओ, हमारा पैसा पहुंचाओ, साहब का पैसा पहुंचाओ, साहब से मिल लो। मैं करूंगा, 2 दिन में उसका भी खुलासा आपको दूंगा, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। हम जब जब उनके पास गए दिलीप खाने साहब से लेके, जब सुदाम यादव साहब को चार्ज मिला, हम लोग आपको 2 दिन बाद वो भी रिकॉर्डिंग वगैरह देंगे, हमारे पास रिकॉर्डिंग है बाकायदा। उन्होंने पैसे लेने के बावजूद भी हमको जो है परमिशन में, हमारे स्ट्रक्चर ऑडिटर इंजीनियर खुद बात करते हुए उनसे है, वो भी मैं आपको क्लिप दूंगा। हाँ, पैसे देने के लिए हमारे पास दबाव बनाया जा रहा है, और 2 दिन बाद और एक बड़ा खुलासा करूंगा कि किसको क्या कैसा क्या हम लोग किए थे, वो भी आपको बताऊंगा। और ये पूरा मामला है ना भैया, सिर्फ एक ही चीज है कि हमको आर्थिक फायदा उनको चाहिए बोल के दिया जा रहा है।